कमाल, खतरनाक। बन टिक्का क्या था ये? क्या पता यार, बाकी कमाल कमाल की चीजें दिख रही है भाई। हाँ भाई, साइड वाली दोस्तों, बंस रोड के रोमियो जूलियट पे भी हमने रिसेंटली रिएक्शन किया था और वहाँ पर हमने पूछा था भाई ये बंस रोड है क्या, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट करके बताया कि कराची में एक स्ट्रीट है जहाँ पर बहुत फेमस स्ट्रीट फूड मिलता है, और हमने लाहौर बोल दिया था गलती से, हमने सुना हुआ था बंस रोड के बारे में और हमें लगा लाहौर में, लेकिन लोगों ने करेक्ट किया और बोला कराची में, और कराची का स्ट्रीट फूड हमने देखा अभी रिसेंटली बहुत कमाल कमाल का था, लेकिन बंस रोड का उसमें नहीं था। तो बंस रोड पे क्या क्या मिलता है, किस तरह का है बंस रोड, यही आज सब हम देखने वाले भाई। इंडिया से बैठे बैठे कराची का बंस रोड देखेंगे, तो इसके लिए एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। जुनैद अकरम की तरफ से वीडियो है, खास करके वहाँ के खाने खाने तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यार वहाँ पर भाई, हमें खाना बहुत पसंद है। हाँ चलो देख लेते हैं भाई, शुरू करते हैं अभी तो। हाँ भाई, क्या हाल है भैया, कराची का स्ट्रीट फूड कवर करना और बंस रोड ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या बात है, अबे ऑडी चला रहे हैं भाई, झूले बोले सब है भाई बच्चों के। ये अपने इंडिया के 56 की छप्पन शॉप या सराफा मार्केट, हमारे यहाँ भी इस तरह की स्ट्रीट्स होती है। एक है 56 दुकान जहाँ पे 56 शॉप से स्ट्रीट फूड की लेकिन की बात अब तो बहुत ज्यादा हो गई है। और हमारे यहाँ एक चौपाटी है मेघदूत चौपाटी, वहाँ पर भी इस तरह के स्ट्रीट फूड बच्चों के झूले भी होते हैं और ऐसे स्ट्रीट में फूड मिलता है, और सराफा मार्केट में बैठ के खाते हैं जहाँ पर सोने चांदी की दुकानें होती है दिन में, लेकिन रात में वहाँ पर सब स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स लगते हैं। जैसे कि ये रात में बंद इन्होंने, तो ये क्या बंस रोड भी रात में ही रहता है या दिन भर रहता है ये बताना, वहाँ का फूड। हमारे यहाँ रात में रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाता है, सिर्फ पैदल चल सकते हैं आप वहाँ पर। हाँ तो सराफा में देखते हैं क्या है। कमाल, खतरनाक। बन टिक्का क्या था ये? क्या पता यार, ये तो इंट्रो है बताएंगे, बाकी कमाल कमाल की चीजें दिख रही है भाई। हाँ भाई, इस साइड वाली मैं रमजान में शूट हुआ है भाई, वीडियो भाई तो और ज्यादा रौनक होगी वहां। हाँ भाई, क्या है भैया, कराची का स्ट्रीट फूड कवर करना और बंस रोड ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। और बंस रोड आपको पता है डेडिकेट कर दिया गया एज अ फूड स्ट्रीट, और लाइटें वाइटें लग गई है, हेलमेट डेडिकेट कर रहा होगा, रात को यहाँ ट्रैफिक का इनकलाब बंद कर दिया जाता है ताकि लोग आराम से बाहर बैठ के खा पी सके। बाइके वाइके फिर भी दिख रही होगी, लोग घुस जाते हैं, क्या करें। एनीवे तो मजे मजे की चीजें यहाँ पे आपको ट्राई कराते हैं, आए मेरे साथ चले। हाँ जी, क्या हाल है, ठीक है, सब वेज रहता है, पाकिस्तान में नॉन वेज ज्यादा रहता है। मेरी 50 वीडियोस में सुना होगा बाबू भाई का बन कबाब, वो ये बंस रोड पे डेली रबड़ी के सामने वही कबाब। एक एरिया अपने यहाँ भी है ना नॉन वेज के लिए, खजराना, ये बाबू भाई दोपहर में होते हैं, अभी है नहीं। This is Babu भाई, और ये 1961 से है ये। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये मैंने सुना है बंस रोड अंग्रेजों के जमाने का है। ओ भाई साहब, बन कबाब, बन को भी तल के देते हैं भाई साहब। मैं स्ट्रेटेजिकली इफ्तार के फौरन बाद आया हूँ, अभी लोग खा पी के लेटे हुए घर पे, तो मैं यहाँ सुकून से खड़ा हूँ, वरना आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते, इतना रश होता है। और ये आपको शहरी तक अवेलेबल है, और आम दिनों में भी सुबह 4 बजे तक कराची में कुछ खाने शहरी तक अवेलेबल है। बाबू भाई बैठे होंगे आपके लिए, और मैं कर रहा हूँ अंडे वाले बर्गर में। यार ये इतना लाइट होता है, मैं 7-8 खा जाता हूँ आराम से, लाइट होता है थोड़ा। खतरनाक, ये देखा ये दाल वाला कबाब अंडे में डिप हुआ है, साथ में चटनी प्याज और सादा बन जो के सिका हुआ है। क्या बात है भाई, इसको आप केचप और भाई कमाल, एक ही टेस्ट है, एक ही टेस्ट, मजा ले कभी ऊपर नीचे हुआ। मजेदार सालों से एक ही टेस्ट है, सिंस 1961 भाई। जलेबी, गुलाब जामुन, कचौरी, ये क्या है भाई, तेल दल लो, ये पूड़ी है क्या?
भाई रमजान स्पेशल खजला फेली बंस रोड पे बन रही है, फ्रेश फ्रेश। ओए होए होए, लाल जलेबी कचौरी समझ रहे हैं अपन, लाल जलेबी कॉर्नर की मशहूर पेशकश, ये देखें भाई, जरूर ट्राई करनी है आप। ये बहुत ज्यादा व्हिप्ड अंडे का पेस्ट है, पता नहीं क्या है भाई, क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है के पेस्ट में, उसको घुमा के फ्राई कर रहे हैं। बन दे दिया एक, इस पे चटनी डाली, इस पे प्याज डाले, इस पे वही डाली, टिक्की डाली अंडे वाली, ये अंडे वाला बर्गर हो गया। हाँ, चटनी हरी, थोड़े से प्याज, लो खाओ भाई। क्या बात, अरे वाह 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 भाई, इसका टेक्सचर देखें, ओए होए होए होए, ये आप कबाब की फ्रेशनेस देखें, दाल वाला अंडे में डिप, फ्रेश कटी हुई प्याज और मज़े की चटनी, इसका आप ये देख रहे हैं, और ये है सॉफ्ट रोड का फेमस बन कबाब के नाम से, पूरी दुनिया में बिकता है, असल ये है यार, एक के बाद एक खा रहा हूँ। अगेन यहाँ भी रश नहीं है, मैं बड़ी जल्दी आया हूँ, यहाँ पार्किंग नहीं मिलती, कमाल, नंबर वन बन कबाब इन द वर्ल्ड, नंबर वन, ये आजाद बन कबाब है, इसकी लोकेशन ये है, फ्रेस्को से पहले बंस रोड, मेन बंस रोड नहीं जाना, शुरू में है, अभी इनका बोर्ड भी निकला हुआ है, ढूंढ लीजिएगा पूछ पूछ के, ऐसा बन कबाब आपको नहीं मिलेगा कभी, टक्कर है बाबू भाई को, बाबू भाई को टक्कर है भाई, भाई थोड़ा माइक भी लगा लेते तो अच्छा रहता, पता भी ना चले, और तो खाने का मजा यही है, तवे से उतरे सीधा अंदर, नहीं नहीं पार्सल फैमिली के लेके जा रहे हैं ससुराल के, मजा ही नहीं रहेगा, ऐसा ही है भाई, इधर ही खाने का है, ससुराल ले इधर ससुराल इधर ले, और कोशिश करें 9 बजे के बाद है आम दिनों में, वरना ट्रैफिक बहुत होता है। 1952 से हैं भाई आजाद भाई, आजाद भाई के बाद ये आजाद से 1961 से थे, हां ये उनसे भी पहले से, इसमें 5 साल बाद ये आजाद बन गया, आज तक हमारा आजाद किया हुआ है। कराची स्ट्रीट फूड की ना एसेंस ये है, और बहुत मिर्चें हैं यार, मजे की, ठीक है भाई, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह, ओके अल्लाह हाफिज़, चले भाई और चीजें खाते हैं, बंस रोड की और चीजें दिखाता हूं, चले भाई बैक टू मेन बंस रोड, अब हम इस साइड वाली, मैं ट्रैफिक के लिए बन गया हुआ, फिर भाई बाइक वाले घूम रहे हैं यार, अजीब लोग हैं, आ जा यार, हाय हाय, रबड़ी खिलाना बाजी को, अच्छी रबड़ी है भाई, क्या हुआ, मशवरा ही दे रहा हूँ बच्चों के झूले भाई, ये बच्चों की फुल एंटरटेनमेंट, ब्लैक वीगो, बच्चों को पहले ही ट्रेन कर रहे हैं, ब्लैक वीगो नहीं, ये तो खैर फोर्ड की है, अगर आप समझ रहे हैं ना, और भी झूले लगे हुए, जंपिंग कासल है जिसमें छलांग मार मार के बच्चे अपने फेफड़े ऊपर नीचे करके चकरा के गिर जाते हैं, फिर उनको रूह अफ़ज़ा पिलाना पड़ता है, ऐसे ही होता है भाई, उछल उछल के उछल उल्टी उल्टियाँ कर रहे होते हैं, फिर कहते हैं चरगा खिलाओ, वो देखो नन्ना, वो नन्ना शिकारी, अबे ऑडी चला रहे भाई ज़बरदस्त, अरे ज़बरदस्त, ऑडी ऑडी, गेट तो लगा ले भाई, अरे हाँ गेट बंद करो, अरे वाह वाह, क्या रिवर्स लगाई है यार, अच्छो अच्छो को नहीं आती, जबरदस्त, डेजर्ट व्हीकल भाई, अगर आप चाहते हैं बच्चे जिद ना करें, ये भी खिलाओ वो भी खिलाओ, पहले आके यहाँ उछलवा दें, उल्टियाँ करेंगे, मूड ही खराब, एक कुल्फी पे खत्म, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, सही, और क्या है, दुलशाद कुल्फी भी चल रही है सर, मन्नान होटल भी है, क्या हाल है भाई, ठीक हो, अच्छा लगे, आज खाते पीने आया ना, ट्यूशन भी पढ़ाते बच्चों को, ट्यूशन में डाल दें, क्लास भी ले लेंगे ना, एडमिशन ओपन है, सलाम भाई, क्या हाल है भाई, ये क्या नमकीन शिनवारी, ये क्या है भाई? यार ये अभी इसने, ओ हो मिर्चें, अरे खतरनाक,
मुझे बताओ शनवारी है क्या, जगह का नाम है, कास्ट है, कास्ट का नाम है, सही है, ऐसा क्या है शनवारी में? सर वो पठान लोग बगैर मिर्ची वाला गाना गाते हैं। हाँ हाँ, सिर्फ हरी मिर्ची, काली मिर्ची और जीरा होता है, बाकी कुछ नहीं होता। अच्छा, शनवारी सर वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी, स्पाइसी भी मिलते हैं, नॉर्मल स्पाइसी भी मिलते हैं। आपको कराची आके मसाला ज़्यादा करना पड़ता है क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा मसाला खाते हैं? सर वहाँ तो हमारे मतलब देहात में तो मसाले मसाला इतना होता नहीं। हाँ, और यहाँ आके तो फिर इंसान चटपटी बन जाते हैं भाई, कराची वाले हो गए, उनके हिसाब से चलना होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। मटन कढ़ाई बीन प्रिपेयर्ड। पक्के टमाटर डाल दिए। अच्छा, इसको वो करके उसका पूरा अर्क निकलेगा उससे। सिक कबाब, टिक्काज, टिक्का, टिक्का बोटी। भाई मटन कढ़ाई का वेट कर रहे हैं, तो नवला सर इन द मीन टाइम आप अफगानी बोटी ट्राई करें। अफगानी बोटी, उबला हुआ गोश्त अलग रखते हैं एंड देन फिर मसाले में उसको अलग भूनते हैं बस। हाँ, वो मटन गलता आसानी से नहीं है ना, चिकन तो ऐसे ही डायरेक्ट डाल दो तो भी गल जाए, गल जाता है, मटन गलने में बहुत टाइम लगता है। फिर मिर्ची डाली उन्होंने, भूख लग रही है यार अभी तक जितनी चीज़ देखी सबसे बेस्ट दिख रहा है मटन कढ़ाई। मटन खाए तो काफ़ी दिन। प्राइस भी बताना चाहिए यार, क्या प्राइस होती है? चिकन तो रोज़ हमको मिल जाता, चिकन तो अपन ने बहुत देखा था पाकिस्तान में, मटन फर्स्ट टाइम देख रहे थे। हाँ शायद, हाँ फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं। लग भी बड़ा मज़े का रहा है वो, बिल्कुल ऐसा कि बस ऐसे ही उठा के खाओ। मटन कढ़ाई फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं, पाकिस्तान में चिकन कढ़ाई देखा है मैंने भाई। ये है मटन शिनवारी, ये सिर्फ नमक और हरी मिर्ची बनी हुई है, साथ में ऊपर गार्लिक गार्निश किया हुआ है। नमक और हरी मिर्ची बस बनी है, 50 मिनट लगे इसको बनने में, पानी आ रहा है बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो भाई नमकीन शिनवारी बर्न्स रोड की बिल्कुल पहली दुकान है, अगर आप उर्दू बाजार वाली साइड से हैं सीधे हाथ पे पड़ेगी, आपके सामने रिजल्ट है खतरनाक। ठीक है, कीमा क्या यही पे हैंड रोल बना रहे हैं कीमा? ओहो भाई, बिरयानी, मटन बिरयानी है, पुलाव है या बिरयानी? पुलाव, मटन पुलाव। छोले भी डले हैं, अरे भैया बहुत खा लिया, थोड़ा थोड़ा ट्राई करने करने में भी ना फुलिंग हो गई है और सैरी का अब मेरा कोई मूड नहीं है। तो ये थी बंस रोड, अभी तो बहुत चीज़ें हमने कवर ही नहीं कर पाए, तो वो भी आपको साथ साथ दिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही भाई, ये बात तो सच है कि बहुत कम चीज़ें इन्होंने कवर की, सिर्फ 3 आइटम किए, 2 तो जिसमें बन, दो बन कबाब ही थे, अंडे वाला बन और वो, हाँ, और बाकी वो बस एक कढ़ाई शिनवारी, शिनवारी कढ़ाई, मटन शिनवारी, बाकी और भी बहुत सारी चीजें होगी वहां पर जो मिस हो गई। इस तरह से तो हम 2 ही चीजें कवर कर पाए क्योंकि वो एक आइटम तो सिमिलर ही था। और कोई वीडियो आपके पास हो जिसमें और भी चीजें हो वहां की तो बताना, आप सजेस्ट करना, तो इसका पार्ट 2 भी हम लेकर आ जाएंगे। फिलहाल स्ट्रीट जो है बंस रोड जो है फिलहाल देख के काफी अच्छा लगा और काफी रौनक रहती है वहां पर शाम को, और दिन भर ओपन रहता है, शाम में ओपन रहता है, ये आप लोग कमेंट करके बताना। बाकी हमारे यहाँ पर भी ऐसा ही होता है स्ट्रीट फूड, और इस तरह की स्ट्रीट होती है और उसको रात में बंद कर दिया जाता है और फिर सब फैमिली के साथ जाके खाना एंजॉय करते हैं। जो बड़े स्ट्रीट फूड्स जो है ना वो वहाँ पर वेज का ही है, बट नॉन वेज के लिए फिर हमारा एक अलग से एरिया है खजराना, खजराना है, बम्बई बाजार है, बम्बई बाजार की गली है, बस वो 2 गलियों में पूरा है। रानीपुरा में भी ऐसी गली है ना? हाँ, रानीपुरा में नहीं गया। हाँ, तो बहुत सारी
नॉनवेज की अलग है बेसिकली स्ट्रीट फूड और वेज की अलग है। हाँ दोनों की अलग अलग फूड स्ट्रीट है, तो जिसको जहाँ जाना है वो वहाँ इंजॉय कर सकते, क्योंकि मसला ये रहता है कि जो वेज खाते हैं ना फिर वो देखते भी नहीं, उसी शॉप पे अगर नॉन वेज भी मिल रहा है ना तो उस शॉप का वो वेज भी वेज भी नहीं खाएंगे, तो इस वजह से सेपरेट बनाया गया है उस चीज़ को। तो बाकी आप लोग बताना आपको आज के रिएक्शन कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।